छपरा में सड़क दुर्घटना में दो बच्चों की मौत का मामला प्रकाश में आया है, जहां तीन गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज पटना में चल रहा है। स्थानीय लोगों ने रिविलगंज मुख्य मार्ग पर मेथवालिया के पास शव को रखकर सड़क को अवरुद्ध कर प्रदर्शन किया है। घटना बीती रात की बताई जा रही है, जब बच्चे पूजा पंडाल के बाद सड़क किनारे पताका लगा रहे थे, तभी सिवान के तरफ से आ रही अनियंत्रित कार ने पांच बच्चों को कुचल दिया। घटना के बाद कुछ दूरी पर जाकर कार पलट गई और स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया और फिर ड्राइवर की धुनाई के बाद पुलिस को सौंप दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद पीएमसीएच ले गए, जहां दो बच्चों की मौत हो गई जबकि तीन गंभीर अवस्था में इलाजरत है। मृत दोनों बच्चे रिविलगंज थाना क्षेत्र के मेथवालिया गांव निवासी सुरेश राय का 8 वर्षीय पुत्र कृष्णा कुमार एवं नागेंद्र राय के 8 वर्षीय पुत्र सोहित कुमार बताए गए हैं। दो बच्चों की मौत के बाद गुस्साए स्थानीय लोग मेथवालिया के पास सड़क जाम कर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। में कितने लोग घायल है, कितने लोग की मृत्यु हुई? देखिए, इस घटना में पांच बच्चों के साथ हादसा हुआ है। कल शाम की घटना है, 5 बजे की। तो पांच में दो जो बच्चे थे काफी इंजर्ड थे और सीरियस थे, जो कि पीएमसीएच हम लोगों ने सदर अस्पताल भिजवाया उनको पीएमसीएच। वहाँ पे पीएमसीएच जाने के बाद से मतलब शुभ समाचार मिला हम लोगों को रात में 10-11 बजे के आसपास, लेकिन उन लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जो कि अभी कितने लोग की मृत्यु हो चुकी है? दो बच्चों की मृत्यु हुई है, जो कि अभी उन्हीं को रख के सड़क जाम की। कितने लोग घायल हैं? पांच लोग, पांच बच्चे थे, जो दो तो ठीक ठाक थे, तीन घायल में एक ज्यादा था फ्रैक्चर हो गया पाँव, जो कि कल वो अभी ठीक ठाक स्थिति में। इस घटना में दो लोग की मृत्यु हुई है, तीन लोग घायल है। तो उसमें पब्लिक का भी यही है कि उनको अपना मतलब उचित जो मुआवजा है उसके लिए हम लोग लगे हुए, पूरा पब्लिक यहाँ के मतलब रोड जाम किए हुए हैं सुबह से ही, तो उसी के लिए हम लोग भी हैं कि अब संबंधित अधिकारी से हमने बात भी किया है, वीडियो साहब से सबसे बात किया है। तो अभी जो 20,000 रुपये का मिलता है, चेक मिलता है, तो वीडियो साहब से अभी बात की तो बोले कि अब मैं जल्दी भिजवाता हूँ। और उसके बाद से जो आपदा का जो होता है, आपदा का 5 लाख होता है, उसके लिए भी हम लोग प्रशासन को बोले हुए हैं और प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जो भी आपका उचित मुआवजा वो मिलेगा। कैसे कैसे मृत्यु हुई दोनों बच्चों की? देखिए, यहाँ पे हाईवे है, हाईवे पे वाहन तो काफ़ी तेजी से आना जाना होता है। बच्चे थे, एकमा छपरा से, मतलब के एकमा छपरा जा रहे थे, हाँ, तो झंडा गाड़ने के क्रम में वो बच्चा सब झंडा गाड़ रहा था, साइड रोड के साइड सब साइड में था, इतना स्पीड में, मतलब स्पीड में काफ़ी स्पीड में। कितने बजे की? कल साइड में जाके मारा है ये, 5 बजे घटना शाम का। हाँ, तो भैया कितने बजे ये घटना हुई थी, कैसे हुई थी घटना? शाम के 5 बजे का घटना है। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल्स।